सौरभ सर, आपको क्या लगता है यार, ये लोअर मिडिल क्लास से आने वाले बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? मैम, आप और हम भी तो वहीं से आते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि उन्हें 2 से 3 जनरेशन लग जाते हैं उस बंधन को तोड़ के बाहर निकलने में, जैसे कि समाज, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं यही डिजर्व करता हूँ, मेरा समाज ऐसा ही है, मैं इसी में जीने मतलब वाला बड़ी नौकरी मिले तो शहर के लोगों को मिले, मैं तो यही छोटी मोटी कर लेता हूँ, ऐसा कुछ होता है सर? एग्जैक्टली, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे लगता है आपके साथ भी ऐसा ही होगा। डेफिनेटली सर। और अभी के ज़माने में जो ज़्यादातर लोग हैं जो किसी मुकाम पर पहुँच पाए हैं, उनके पीछे अगर पलट के देखेंगे ना आप, तो आपको नज़र आया कि वो उसी दौर से गुजर के आए हैं, उसी माहौल से गुजर के आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ अपने में जोड़ते रहे हमेशा, और वो जोड़ने में से स्किल्स जो बोलते हैं स्किल्स, तो कुछ ना कुछ स्किल्स रहा है। मेरे साथ भी ऐसा रहा है, मैंने आपको कई बार अपनी कहानी बताई है, इसमें इंग्लिश एक बहुत बड़ा इशू था मेरे लाइफ में एक समय जब मैं कॉलेज जाने वाला था, लेकिन उसमें इंग्लिश को जब मैं इम्प्रूव किया अपने कॉलेज में जहाँ सारे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे थे। सर की स्टोरी में शायद इंग्लिश का, मेरी स्टोरी में इंग्लिश का बड़ा रोल रहा है, लेकिन यार हमने लोगों को देखा है कि डिजिटल यू नो प्लेटफॉर्म्स की ताकत को उन्होंने अपना बनाया है, उन्होंने गाँव में रहते चीज़ों को सीखा है, कितने बड़े बड़े आज के डेट में सर बिहार से इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, यार उनके पास ना खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज के डेट में मुख्यमंत्री उनको बुला के बैठ रहे हैं, उनके साथ वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और कहाँ की बात कर रहे हैं, रेफरेंस आप समझ गए होंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना यार, कब क्या तुम्हारी ताकत बन जाए, यही तुम्हें समझना है और स्किल्स को एक मौका देना है। इस विषय पर हम पूरी बात करेंगे आपके साथ 14 जुलाई शाम 5:30 बजे जब अड्डा मनाएगा स्किल महोत्सव। तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, एंड सी यू देयर।